अच्छा तो दोस्तों एक मिनट रुक जाओ, हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जब तक नूर साहिबा अपना मेकअप फ्रेश कर लेंगी, और तब तक ली गई तुम मुझे सारी तस्वीरें दिखाओ। इस तरफ आ जाओ। रहम कर लो जरा, उसके मुताबिक पोज दे दो ना। कितनी देर हो गई, यहाँ पांव थक गए हैं मेरे। मैं ये सब कुछ जानबूझ के नहीं कर रही हूँ अलमास। अगर तुम जानबूझ कर नहीं कर रही तो मेरा भी नाम अलमास नहीं। ये क्या कह रही हो? हाँ मुझे बेवकूफ समझ रही हो? अपने शोहर की वजह से परेशान हो ना। वो उससे मिलने के लिए गया था और तुम यहाँ इंतजार कर रही हो कि तुमसे कोई गलती हो जाए और तुम्हें निकाल दे। वो कौन मिलने गया था? क्या फजूल बातें कर रही है अलमास? वो तो सिर्फ नॉर्मली उससे मिलने गया था। बिल्कुल मेरी जान, ऐसे ही हुआ होगा। अलमास बात सुनो मेरी, हुआ क्या है तुम्हें? लेडीज सॉरी, अगर वो प्रेस रिलीज की तस्वीर के लिए इतनी मेहनत कर रही है तो जब एक्चुअली काम शुरू होगा तो सोचें क्या क्या नहीं करेगी। अगर तुम थक गई हो तो जा सकती हो हेरा। नूर तुम्हें मालूम है ना कि करीम साहब का कॉस्मेटिक ब्रांड मिलना हमारे लिए कितना अहम प्रोजेक्ट है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम्हारी पूरी कोशिश नाकाफी है तो तुम्हें और ज्यादा करना पड़ेगा। तुम्हें लोगों को इतनी देर इंतजार कराने का कोई हक नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने आकर मुस्कुराना है और कुछ नहीं। हेरा साहिबा आ रही है यहाँ। बहुत खूब जा रही हो, ठीक है, बस 5 मिनट और ऐसे ही रहो। नर्वस हो रही हो तुम? हो जाता है कभी कभी, तुम परेशान मत हो। दरअसल लाइट्स बहुत तेज है ना, तो मेरा मेकअप खराब होने लगा, लेकिन हमने ठीक कर लिया है, इस बार मैं कर लूंगी। कोई बात करनी है आपको? कुछ ज्यादा ही गौर से देख रही हूं ना तुम्हें, माफ करना, तुम्हें देखकर किसी की याद आ गई मुझे। खैरियत तो है ना, आप पहले दिन से मुझसे कुछ कहना चाहती हैं शायद। बिल्कुल उसके जैसी हो। क्या मतलब? मैं पहले किसी को जानती थी जिससे तुम बहुत मिलती हो। उम्मीद है कि वो आपको पसंद हो। चले नूर साहिब आ जाएं आप, और आप सब भी अपने अपने कामों पे लग जाएं। हाँ ये ठीक है। यार देखो, तुमने कभी ऐसा ऑफिस देखा है जिसके सीईओ के टेबल पर हर तरफ लिपस्टिक और परफ्यूम्स वगैरह रखे हुए हो और उसके पूरे रूम में सिर्फ परफ्यूम की खुशबू थी बस? भाई उस आदमी का काम है, वो कॉस्मेटिक का कारोबार करता है और क्या करे, अपनी मेज पर क्लच प्लेटें और टायर रखकर बैठेगा क्या? हाँ नहीं अली, तुम उस आदमी के पीछे पड़ गए हो। देखो मेरे भाई, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, शुरू से ही तुम्हें उसका लिपस्टिक, क्रीम, गोरे रंग के पाउडर का काम पसंद नहीं है। अरे भाड़ा में डाल उस क्रीम को यार, हद है। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि उसमें ऐसा है क्या, किस चीज का गुरूर है। अली साहब, अली साहब करके करकड़ के बातें कर रहा था। उसकी पूरी टेबल पर सिर्फ लिपस्टिक्स रखी हुई थी, और जानते हो वहां और क्या था? वो एक बार जिसमें नूर की तस्वीर थी। कसम से मैं तुम्हें दाद देता हूँ मेरे भाई, वाकई शाबाश है तुम पर। मतलब कि तुम वहां गए, मेज पर पड़ा हुआ वो अखबार देखा। अखबार सुबह के वक्त हर किसी के मेज पर पड़ा हुआ होता है, ये तुम जानते हो। पागल हो चुके हो तुम, उस नूर ने तो तुम्हें सीधा कर दिया है मेरे भाई। अरे पता नहीं यार, उसने मुझे सीधा किया या फिर मेरी बेइज्जती करवाई उसने। मैं भाई, मैं अली कुजान, जो चाहे कर सकता है और जो चीज नहीं पसंद वो करता ही नहीं कभी भी। मगर अब वो अपनी बीवी की तस्वीर अखबार में देख रहा है। यकीन करो कि मुसादबी से बात भी नहीं कर सका उसकी आंखों में आंखें डालकर, और क्या रह गया बताओ। वाह भाई, यानी अब इस उम्र में हम तहजीब याफ्ता इंसान बन रहे हैं। अली मेरी बात गौर से सुनो भाई, मानता हूं कि तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो, अच्छी बात है ये, गलत बात नहीं, अच्छी बात है ये।
मतलब कि कोई भी इस किस्म की तस्वीरें और खबरें देखकर नाराज होगा, लेकिन नूर ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन फिर भी उस आदमी के साथ बैठकर बात करने में कोई हर्ज नहीं, नॉर्मल है ये। यार बस करो जाहिद, इसमें नॉर्मल जैसा कुछ भी नहीं। मेरी बात सुनो, कुछ भी हो ये लड़की तुम्हें सुधार रही है मेरे भाई, दाद है उस पर, वाकई दाद के काबिल है। आजकल कौन है ऐसा। देखो उस लड़की ने तुम्हारे साथ वो किया जो तुम इतने सालों मेहनत से दौलत कमाने के बाद भी हासिल ना कर सके, दाद देनी चाहिए। ये लड़की तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सुधार रही है मेरे भाई। आहिस्ता ही रहे तो बेहतर है, वो जितना मुझे सुधारने की कोशिश कर रही है जितनी भी, लेकिन इससे बदलेगा कुछ भी नहीं। तुम जानते हो मैंने उससे मोहब्बत की, उससे निकाह किया, अपनी बीवी बनाया उसे, वो भी इतने बुरे हालात में, तो सोचो मैं उस पर कैसे किसी की नजर पड़ने दूं यार। हाँ जानते हो मैं उसकी इज्जत के आगे हार मान चुका हूँ, क्योंकि मेरी मोहब्बत ऐसी है भाई। क्या तारीख लिखी जाएगी मेरे बारे में कि किंग अली गोजान की बीवी मॉडल बनने वाली है, वो मॉडल बनना चाहती है, क्या करूं मैं, उसे मना तो नहीं कर सकता। हाँ मैंने एतराज किया था, हाँ मगर उससे एतराज का क्या है, हमारे एतराज की परवाह कौन करता है। अलीना तुम्हारी बात सुनती थी तभी उसने तुम्हारी बात नहीं टाली। हाँ कभी कभार वो हसद करती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, लेकिन कभी तुम्हें चैलेंज नहीं किया। लेकिन देखो नूर ऐसी नहीं है, इसलिए तुम्हें उससे मोहब्बत है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। यानी कि ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मोहब्बत अलीना से करनी चाहिए मुझे। हाँ यानी एक तरह से अलीना की बेचैनी इसलिए थी कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। अगर तुम उससे मोहब्बत करते यानी वाकई नूर से नहीं बल्कि उससे मोहब्बत करते, वो भी पहले ही दिन से, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होती। हाँ माफ करना मुझे कॉल लेनी होगी। हेलो बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। इस वक्त किसका शुक्रिया अदा कर रहे थे तुम जाहिद। नहीं यार वो गाड़ियों का कुछ मसला था, सारे लड़के उन्हीं के साथ लगे हुए थे, अब जाकर हल हुआ है। क्या करना है बोलो तो चलें। इतनी रात में कॉफी पी ली अब नींद नहीं आएगी। तो क्या हुआ अगर पी भी ली, बस दिल चाहा और पी ली। और वैसे भी हम अपने शौहरों के बगैर सो नहीं सकते। नाजान क्या तुम ये बात यकीन से कह सकती हो कि वो साथ है। हाँ तो मुझे मार दोगे लीना कसम से। तुम फिर से वही पूछने लगी, मेरी जान तुमने कितनी बार फोन करवा के मालूम भी करवाया है। हद है। मैंने कहा था ना तुमसे ऐसी बातें नहीं करना। अब क्या कर दिया मैंने। कौन जाहिद है क्या। भाई की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम भाई। रात के इस वक्त वो बदबख्त कौन जाने कितने पैसे मांगेगा। क्या एक मिनट आप जो कह रहे हो उस बात का अंदाजा भी है। अल्लाह ही जाने अब कितने यूरो और डॉलर मांगे हैं उसने। क्या भाई मैं इतने पैसे कहाँ से ला सकती हूँ। नहीं भाई ये बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। शोहर आ गया है, माफ कीजिएगा मुझे अपने शोहर का इस्तकबाल करना है। अमीन मेरी बीवी से कहो कि मुझसे भी चलो उनमें आकर मिले। अली साहब नूर तो अभी तक आई ही नहीं। क्या मतलब अभी तक नहीं आई, कहाँ है वो। मेरी बात हुई थी उससे, वो अभी तक शूट पर है। आ गए मेरी जान, मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। कमाल है नूर, क्या कर रही हो तुम। मेरे ख्याल से राइट वाली। सॉरी शायद आपका ध्यान कहीं और था, हमने आपको इंतजार करवाया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कभी कभी इंतजार करना अच्छा होता है। वो शूट से पहले आपने अली साहब से मुलाकात की थी, क्या बात हुई वहाँ।
इस बारे में बात नहीं कर सके ना? हाँ याद आया, बहुत दिलचस्प मुलाकात रही उनसे। दिलचस्प? मतलब दिलचस्प अखबार की खबरों की वजह से है ना? हाँ हाँ नूर, उसी वजह से। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा अगर उसने ऐसी वैसी कोई बात की हो। ऐसी वैसी बात? तुम्हें क्यों लग रहा है उसने ऐसी वैसी बात की होगी? वो अली साहब, वो हसास और मुहाफिज। हाँ हाँ वो ऐसे ही हैं। असल में अपने मुलाजमीन का तहफ्फुज करना बहुत अच्छी बात है, हालांकि तुम अब उसके लिए काम भी नहीं कर रही हो नूर। हाँ बिल्कुल, मैं उनके लिए काम नहीं करती, लेकिन अली साहब वो मैं, मतलब वो मुझे अपने खानदान का हिस्सा समझते हैं, और क्योंकि मैं उनके घर में ही रहती हूँ तो। घर नहीं, फार्म हाउस। हाँ फार्म हाउस, उसे फार्म हाउस ही कहते हैं। बात यह है कि अली साहब गुस्से के काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। करीम साहब, उम्मीद है आप दोनों के दरमियान अखबार की वजह से कोई मसला नहीं हुआ होगा। नहीं नूर, कोई मसला नहीं हुआ। मुझे खुशी हुई। मेरे ख्याल से अब हमें निकलना चाहिए। तो अब रवानगी का वक्त आ गया। करीम साहब, कैसी लगी तस्वीरें? अच्छी हैं। क्या हुआ आपको प्रिंसेस? आप वहां करीम साहब से माफी मांगने गई थी क्या? तुम मुझे छोड़ो, अपने काम की फिक्र करो। एक घंटे में तुमने मेकअप का सामान भी नहीं समेटा। ये मेरा काम नहीं है मेरी जान। मेकअप आर्टिस्ट बेचारी कब से तुम पर मेहनत कर रही थी, मैं तो उसकी मदद कर रही थी बस। मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा अलमास। हिरा साहिबा, उम्मीद है कि आपको काम पसंद आया होगा। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगा था लेकिन फिर अच्छे से कर लिया था मैंने। आई होप अगले शूट में मैं और तेजी दिखाऊंगी। उम्मीद है ऐसा ही होगा नूर, वरना हमें नए सीजन की तैयारी करने में मुश्किल हो जाएगी। आप देखेंगी हम बहुत अच्छा काम करेंगे। वैसे आप मुझे किससे मिला रही थी? I'm sorry, मैं समझी नहीं। आपने कहा था कि मेरी शक्ल किसी से मिलती है, मैं समझी नहीं उस वक्त। कोई खास नहीं, बस वो एक पुरानी जानने वाली थी, ऐसे ही मुंह से निकल गया। लिफ्ट आ गई है हीरा, चलना चाहिए हमें। चलिए। सुनो क्या बात है, किससे मिला रही थी ये? पता नहीं किसी से मिला रही थी। नूर चलो। ये तुम क्या कर रही थी? करीम साहब ट्रस्ट मी, बगैर सोचे समझे ही बात करते हुए मुंह से निकल गया मेरे। आइंदा ऐसा कुछ भी मुंह से ना निकले, ना नूर के बारे में और ना किसी और के बारे में बर्दाश्त करूंगा, ये बात याद रखना। सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचते सोचते अपना काम भी नहीं कर पाई मैं। मैं इस तरह नहीं रहना चाहती अली। ये नाराजगी हम दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बात करके इस नाराजगी को खत्म करते हैं। लॉन में इंतजार करूंगी।
बेशरम नागिन। मेरी जान आ जाओ ना। होगा, मैं तो गिनते गिनते ही थक गई हूं यार। लगता है आज बहुत थक गए हो। जाहिर है, कमर सीधी कर लूं फिर शावर लेकर सो जाऊंगा। लेट जाओ मेरी जान, तुम आराम से सो जाओ, मैं सारी रात जागती रहूंगी, तन्हा बैठकर भेड़े गिनती रहूंगी। ठीक है, तुम गिनती करो, मैं शावर लेकर आता हूँ। हाँ मेरी जान, तुम जाओ शावर लो और आराम से सो जाओ। ये मत पूछना अपनी बीवी से कि तुम कैसी हो, दिन कैसा गुजरा, कुछ भी बात मत करना। अच्छा, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा बेगम, बताओ क्या बात है। मैं कहना तो नहीं चाहती लेकिन मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसों की जरूरत है क्या? तुमने फिर से क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी कर दी? अल्लाह के वास्ते कुछ तो रहम करो, कम से कम एक महीने के लिए तो उन कार्ड्स को इस्तेमाल करना छोड़ दो। अरे क्या हो गया तुम्हें, मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट अभी बाकी है, मेरा मतलब है उसमें कुछ गुंजाइश बाकी है। प्लीज नाजान, एक महीना, बस एक महीना, खुदा के लिए एक महीने के लिए तो शॉपिंग कंट्रोल कर लो। क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही गर्मी लग गई है क्या? माफ करना, कोई ऐसी बात तो नहीं जो मुझे मालूम नहीं, या फिर हमारी पूरी फैमिली ने किफायत शुरी का फैसला कर लिया जिसकी मुझे खबर ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, मैं ये पैसे अपने लिए नहीं मांग रही हूँ बल्कि अपने भाई के लिए तुमसे मांग रही हूँ। तुम्हारे भाई के लिए? हमने इस बारे में पहले बात की थी ना नाजान। हाँ याद है, और हमने कहा था कि हम दोबारा नहीं देंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है, बस $30,000 ही है। $30,000? $30,000? ये नामुमकिन है नाजान, इम्पॉसिबल। मैं तुम्हें $30,000 नहीं दे सकता। क्या मतलब इम्पॉसिबल? हाँ यानी अगर तुम अपनी बीवी के भाई के लिए $30,000 भी नहीं दे सकते हो जाहिर, तो फिर तुम मेरे लिए किस काम के हो? अगर तुम मेरे लिए अपनी जेब में हाथ नहीं डाल सकते हो तो फिर मैं इस घर में किस लिए हूँ जाहिर, जरा बताओगे मुझे? तुम पैसे भी नहीं दे सकते, मुझे एक बच्चा भी नहीं दे सकते, तो फिर बताओ मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ? हाँ चुप करो नाजान। चुप हो जाऊँ ताकि लोग मुझे कसूरवार समझे, ठीक है ना? भागो भागो, शाबाश, जुआ खेलते हुए पैसों को जाया करना आसान था ना। हाँ हाँ भाग जाओ, हमेशा की तरह ऐसा ही तो करते हो। मैं अपने मामला को खुद हल कर लूंगी, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, बस भागना आता इस आदमी को।
मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते यानी वाकई नूर से नहीं बल्कि उससे मोहब्बत करते, वो भी पहले ही दिन से, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होती? हो गई है, कहां सोई पड़ी है ये लड़की? देखो तो, इसे कोई और जगह नहीं मिली। तौबा तौबा। नूर, नूर, चलो बेटा उठो। क्या हो गया? सवाल तो मुझे करना चाहिए कि क्या हुआ और तुम यहाँ क्यों सो रही हो? पूरा जिस्म अकड़ गया है। जाहिर है अकड़ेगा बेटा। कल रात अलमास ने बताया था कि तुम लॉन में अपने शोहर का बाहर इंतजार कर रही हो और सोने के लिए खुद आ जाओगी, तो सारी रात तुम यहीं थी। बताओ कहाँ है तुम्हारा शोहर? नहीं आया। अब मैं तुमसे क्या कहूँ नूर, क्या कहूँ? चलो बेटा चलो घर चलो। शाबाश मेरी खूबसूरत बेटी, शाबाश। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखना चाहती हूँ। अम्मी, कल रात मुझे इतनी अच्छी नींद आई है ना, मैं बता नहीं सकती। ये जानकर कि वो बेशरम औरत नीचे मेरे शौहर का इंतजार कर रही है, इतना अच्छा लगा। उम्मीद है कि वो नागिन सुबह तक अली का इंतजार करती रही होगी। ऐसे ही अलीना, बिल्कुल ऐसे ही। अब वो इंतजार करेगी अम्मी, ऐसे ही बेकार में और बेफायदा इंतजार करती रहेगी। गुड मॉर्निंग। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आराम से बात करूंगा तुमसे। ये करीम सन जागता रहे क्यों? हैरत है कजन, एजेंसी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। तुम्हारी ये बकवास एजेंसी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। तुम्हारी बीवी करीम के लिए काम करे या किसी और बड़े ब्रांड के लिए काम करे, जब उसका मॉडलिंग करना कबूल कर लिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या वो फजूल अखबार नहीं पढ़े तुमने? क्या तस्वीरें नहीं देखी वो? देखा मैंने, और शायद तुम्हें मालूम नहीं कि उस अखबार के तीसरे सफ़ी की जीनत मैं भी बना हुआ था। देखो मैं तुम्हें अखबार वाली बात पर इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल, हाँ मगर उस आदमी के साथ काम करने के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? मुझे समझाओ, ये नूर से क्यों कहा कि अली को मत बताना, सब मकसद क्या था आखिर? अली, मुझे नहीं मालूम कि तुम किस किस्म के वहम में मुब्तला हो। शायद करीम सिंह जगतार ने तुम्हारी अना को ठेस पहुँचाई है। तुम्हें तुम्हारी बीवी पर एतमाद नहीं है, ना कि मुझ पर या मेरी एजेंसी पर। मुंह बंद करो अपना। आज के बाद अगर मेरी बीवी के बारे में कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। आज के बाद एतमाद की बात नहीं करना। तुम पागल हुए अली और कुछ नहीं, गला छोड़ो मेरा वरना अली कुजान खातिल बन जाएगा। अली ना के लिए, ये हम सबको बचाने के लिए तुमने जो कुछ भी किया, मैं तुम्हारा एहसान मन रहूंगा। मैं मकरूज हूं तुम्हारा, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम इसका गलत फायदा उठाओगे। ये मत भूलना कि इस जल्दबाजी में फरात तुम्हारा ये कर्ज तुम अपने आप ही उतार लो।
मेरी जान। बाद में लीना। ठीक है, बिछोड़ दो से, चलो। अम्मी ये क्या हरकत थी? ये जानना कि वो किसी और औरत के लिए बेचैन है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये चलो यहाँ से, अभी चलो। चलो लीना। ये बेकार सी खबर है, यकीन तुमको परेशान करेगी। चलो ना जाहिद, कब तक वो पैसे लाओगे तुम? नहीं नहीं अलमास, इस तरह से तुम सामने आओगी, तुम्हें सामने नहीं आना। तुम तो मजलूम हो, चुपचाप एक कोने में रहो। पानी अच्छा लगा क्या नूर साहिबा? इतनी देर लगा दी, यकीनन मजा आया होगा। ओ, मेरी आंखों में नमी आ गई। क्या ही बात है, किसी ने क्रीम लगाना सीख लिया है। तुम ऐसा ही समझो, मैं हमेशा क्रीम लगाती हूँ। हाँ चलो मान लेते हैं, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें अफसरदा कर दिया है, अब हमारी स्टार का मूड खराब ही रहता है। छोड़ो ये बात, अगर तुम्हारी शादी खतरे में लग रही है तो जल्दी से अपना जोकर कार्ड इस्तेमाल करना। ये तुम क्या कह रही हो अलमास? मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि कल तुम करीम साहब के नजदीक थी बहुत, तुम मेरी नजरों से नहीं बच सकी, तो रिपोर्टर्स ने भी ये आप पकड़ ली होगी। ये क्या हरकत की तुमने पागल, ये क्या हरकत की तुमने? माफी मांगो वरना बहुत बुरा करूंगी तुम्हारे साथ अलमास। क्या करोगी तुम, क्या करोगी तुम? हाँ मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। देखो अब मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। यार जाहिद, तुम सुबह सवेरे मुझे बिना बताए कहाँ भाग गए हो? हद है, यानी तुम्हें मेरी कोई फिक्र भी है या नहीं? जाहिद क्या मतलब नासान, काम था मुझे इसलिए जल्दी निकला, भागूंगा क्यों? खैर मेरा वक्त जाया मत करो, काम है मुझे, रखता हूँ। लेकिन जाहिद, ये तुम किस पर रोब जमा रही हो? अपनी बकवास बंद नहीं करोगी तो बहुत बुरा होगा। बस तुम लोगों ने मुझे तंग कर दिया है, बच्चों की तरह लड़ रहे हो, आपस में बहने हो तुम दोनों, हाथ कमर पर और जबान कैंची की तरह चल रही है। तुम लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अम्मी आपकी जी भतीजी है ना, ये भतीजी, इसने ये खींचकर मेरे सर पर मारा है, मेरे सर फाड़ना चाहती थी। तो बिना किसी वजह फेंकी मैंने? हाँ शर्म होती ना अगर तुम में, तो मुँह लालना होता तुम्हारा अलमास। आंटी को भी बताओ ना क्या कह रही थी तुम मुझसे। हाँ अच्छा ऐसा है, जब गैर मर्द के साथ खिकी करके बात कर रही थी, उस वक्त तुम्हारा बेचारा सुख हुआ था, उसका क्या? अलमास हद में रहो अपनी। मैंने कहा बहुत हो गया, मेरी जान अजाब कर दी है, बीपी हाई हो गया है मेरा, अब खामोश हो जाओ। आंटी को दुआएं दो तुम, आंटी को दुआएं दो। चलो निकलो यहाँ से, असल में तो तुम्हें इन्हें दुआएं देनी चाहिए। वाला लड़की करती रहो बकवास, तुम मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पागल हो गई है क्या? ला हौल वला कुव्वत। आहा आहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, मुझे सुकून मिल गया। खैरियत है बेटी, किसका मैसेज है? हाँ काम का, काम का, एक खबर का इंतजार कर रही थी, वो आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए मैं जरा नहाने चली जाती हूँ, बहुत सुकून मिल गया है मुझे यार। स्विमिंग पूल का मजा जल्दी खत्म हो गया। मैंने तुम्हारे शौहर से कहा, मैं उस शख्स का शुक्रगुजार हूं जो मर गया। क्या उसने अपना सारा गुस्सा तुम पर उतारने की कोशिश की? वो बहुत तनाव में है लीना, एक बम की तरह जो फटने वाला है। फटने दो फरहाद, उसके दिल से वो गंदगी निकाल दो बस। उसे तो देखो जरा,
चुपके चुपके फोन पर बात कर रही है, उसकी बेशर्मी देखो बस। मैं इस लड़की से नफरत करती हूँ। मैं किसी से किसी भी चीज से इतनी नफरत नहीं करती जितनी इससे करती हूँ। मैं चाहती हूँ उसे वही अजियत मिले जो इसने मुझे दी है। जिस तरह इसने मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे साथ खेला, मैं भी उसी तरह खेलूंगी इसके साथ। मैं चाहती हूँ कि ये उस दिन को कोसे जब ये मेरे शौहर की जिंदगी में आई। मौका अच्छा है इस वक्त, चलो जाओ कुछ शरारत करो, सुकून मिलेगा तुम्हें। पूरी रात इंतजार करती रही मैं, तुम जानबूझकर नहीं आए। मुझे भी बहुत सी बातों पर गुस्सा है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगी। हम बात करेंगे, तुम मुझ पर जितना मर्जी गुस्सा हो जाओ, लेकिन याद रखना कल रात की तरह भागने नहीं दूंगी तुम्हें। क्या हुआ है नूर, तुम्हें छोड़ दिया गया है क्या? इंतजार करती रही मैं, तुम जानबूझकर नहीं आए। मुझे भी बहुत सी बातों पर गुस्सा है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगी। हम बात करेंगे, तुम मुझ पर जितना मर्जी गुस्सा हो जाओ, लेकिन याद रखना कल रात की तरह भागने नहीं दूंगी तुम्हें। ये क्या कह रही है? इसने मेरा कहां इंतजार कर लिया कल रात? आधी रात को तो ये घर आई और मुझसे कह रही है कि मेरा इंतजार नहीं किया, कहीं पागल तो नहीं हो गई? चलो भी नूर, बहाने ना बनाओ, मैंने तुम्हें सुन लिया है। तुम अपने आशिक को वॉइस मैसेज भेज रही थी। अलीना साहिबा, प्लीज। क्या प्लीज नूर? हाँ क्या प्लीज? तुम्हें छोड़ दिया गया है इसलिए तुम नाराज हो रही हो? इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? इसमें आखिर इतनी शर्मिंदगी की क्या बात है? देखे, आपने बहुत बुरा वक्त गुजारा है और अब आपको इस तरह से देख के मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ आपसे। तुम क्यों बात नहीं करना चाहती हो नूर? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे उस पुरेसरार आशिक का नाम जान लूंगी? क्या हुआ, क्या हुआ, अचानक चेहरे का रंग बदल गया? घबराहट हो रही है क्या तुम्हें? अरे नहीं, लगता है कि ये कोई मामूली बात नहीं हो सकती। या आप क्या कह रही हैं? डर कह रही हूँ नूर, जब भी तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो डर नजर आता है। आप जानती हैं? मैं क्या जानती हूँ नूर? क्या हुआ, कोई मसला हुआ है क्या? वो मैंने नूर को जरा सा तंग करना चाहा, लेकिन शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, वो शर्मिंदा हो गई है। लेकिन नूर तुम बहुत बोरिंग हो। हाँ मेरी जान, मैंने नूर को उसके आशिक को मैसेज करते हुए पकड़ लिया तो ये डर गई बहुत। मतलब कि इंसान तुमसे दो मिनट बात भी नहीं कर सकता, तुम फौरन डर के भाग जाती हो। मानती हूँ कि तुम्हारे बारे में ये सब कुछ अखबार में भी छप गया है। क्या करीम संजक तार के साथ तुम्हारा कोई सीन है? अरे इसका चेहरा तो देखो। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं नहीं करी इस बारे में बात, बस ये तो अखबारों की बात थी और कुछ नहीं। तो अगर तुम्हें अखबार में छपने वाली चीजों की इतनी शर्मिंदगी हो रही है तो एजेंसी से तुम्हें बात करनी चाहिए ना, या फिर तुम दोनों हाथ मिलाकर ये बात कर रहे थे कि इश्तिहार बहुत बुरा बना है या बहुत अच्छा? चलो मेरी जान हम चले, वैसे भी तुम्हें इन बेकार बातों और मसलों में नहीं उलझना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने, सच में बेकार है ये सारी चीजें, एक नंबर की बकवास चीज है, बस इसमें फंसता ही चला जाए इंसान। अली साहब मैं भी आ रही हूँ, इंतजार करें मेरा। नूर मैं समझी नहीं, तुम अली के साथ कहाँ जा रही हो? फराज साहब का इंतजार करने की जरूरत नहीं है मुझे, शहर में कुछ काम है।
क्या बात है नूर साहिबा, सुबह नाश्ते में जिगरा खा लिया क्या? जी बिल्कुल अली साहब, आपकी वजह से वो भी खा लिया। चलें जहां हम बात कर सकें। ठीक है। नागिन, नागिन औरत, जाहिल, बदतमीज, बेशरम, बेशरम कहीं की यार। अलीना, क्या? क्यों चीख रही? चीखो मत, उसकी आंटी वगैरह कोई सुन लेगा। चलो जाओ, जाके वहां चीखो। चलो, जितना चीखना है वहां चीखो। अल्लाह राजी हो आपसे जाहिद। ठीक है ना, मसला हल हो गया, वो लोग छोड़ देंगे हमारा पीछा। हाँ, अब अपना पैसा ले लेंगे और खामोश हो जाएंगे। आपको यकीन है इस बात का? हाँ ठीक है, ठीक है। वाकई मैंने भी अब सुकून का सांस लिया है जाहिद। ठीक है, आपसे मैं बाद में बात करती हूँ। आपका एक बार फिर से शुक्रिया। अब तुम्हें पुरसुकून रहना होगा अलमास, पुरसुकून रहो। और अब जाने में जल्दी मत करना, थोड़े वक्त तुम वेट करो और इत्मीनान से बैठ जाओ घर में। जाहिद इन दिनों पोस्ट बॉक्स पर नजर रखेगा और फिर उसके जाते ही पैसा आ जाएगा। मेरे साथ उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरा मजाक उड़ाया, मेरे शोहर को मेरी आंखों के सामने ले गई। अम्मी क्या है ये सब? ये क्या कह रही है? बेशर्म है वो, बदतमीज है। तुम तो नॉर्मल रहो। वो मुझे दिखाना चाहती है, मेरी आंखों में आंखें डालकर बताना चाहती है कि वो यही है मेरे सामने। अलीना, अगर वो तुम्हारे सामने बेशर्मी दिखा रही है तो तुम उसकी तरफ देखना छोड़ दो, तुम उसे इग्नोर करो। ये जानती है सब कुछ। मेरा सब्र अब लबरेज हो रहा है अम्मी, समझी आप? मेरे सब्र का पैमाना अब खत्म हो चुका है। इसका मतलब है नूर के बारे में जानती है सब कुछ। तो अब बोलो ना, हम क्या नजारे देखने आए यहाँ? इसके अलावा और भी काम है हमारे पास, जो भी कहना है जल्दी कहो। हाँ लेकिन एक सेकंड, हरगिज़ वो कल रात इंतजार वाली बात मुझसे मत करना, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत खूब, तो तुमने वो मैसेज पढ़ा ही नहीं, क्या बात है अली? क्या बकवास कर रही तुम यहाँ? मैंने मैसेज किया था तुम्हें। मैंने कोई मैसेज वैसे नहीं देखा तुम्हारा। उसने डिलीट कर दिया। बिल्कुल उसने मैसेज डिलीट कर दिया होगा। अली देखो मेरी बात सुनो, अलीना सब कुछ जानती है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जब तुम आए तो वो मुझसे यही बात कर रही थी, फिर तुम्हें आता देख के उसने बात को चेंज कर दिया और फिर अचानक से उसने अखबार और करीम संजयतार वाली बातें शुरू कर दी। वो चाले चल रही है, तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा? वो सब कुछ जानती है, बस ड्रामा कर रही है कि नहीं जानती। वो छुप कर हमारे खिलाफ चाले चल रही है, वो सब कुछ जानती है, हमारे सामने दिखावा कर रही है। अली बहुत दिन से वो अजीब तरह की बातें कर रही है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा लेकिन मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारा दिमाग सही नहीं है क्या? तुम देखो हालत, तुम अलीना से बुरी तरह जलने लगी हो। तुमने अधूरी फोन कॉल सुनी और उसके बाद क्या किया तुमने? तुमने अलीना के ऊपर धमाके का इल्जाम लगा दिया। वो एक पागल के हाथों जान से जाने वाली थी और तुम हा? क्या तुम्हारा तुम्हारा बस नहीं चल रहा कि हर चीज का इल्जाम अलीना पर लगा दो? इस दुनिया में जो कुछ भी बुरा हो रहा सब उसकी वजह से हो रहा है ना, बोलो। वोट वाले मसले में मैं गलत थी, मानती हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि उन सबके पीछे अलीना का कोई हाथ नहीं था। वरना तुम अपने बच्चे से क्या कहते कि उसकी माँ ने क्या किया? मैंने इल्जाम लगाया ठीक है, लेकिन इस बार मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। अली देखो, अलीना 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 हद हो गई। तुम जो कुछ भी करती फिर उस पर से मेरा ध्यान हटाने के लिए अलीना को बुरा बना रही हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे तुम पर नहीं आ रहा बिल्कुल। वो औरत तुम्हारे बच्चे की माँ है, जानती हूँ मैं, बार बार सुन चुकी हूँ, लेकिन प्लीज अली मेरी बात सुनो। तुम्हारे बच्चे की माँ हमारे साथ खेल रही है और तुम हो के? बस, और सुन लो, अगर कोई खेल खेल रहा है ना तो वो तुम ही हो। अब अलीना से जलना बंद कर दो नूर, बहुत हो गया है। मेरी सबसे बड़ी गलती जानते हो क्या है? मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम मेरी बात सुनोगे और मेरी हर बात पर यकीन भी करोगे। मैं भूल जाती हूँ कि मैं ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जिसके लिए अना से बढ़कर और कुछ भी नहीं, जिसके लिए हर रिश्ते से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी अना है। मेरी वो जो अजीम अना थी ना, तुमसे मिलने के बाद जमीन में दफन हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी अना का जानती हो? इस वक्त वो अना आसमान की बुलंदियों पर है। मेरी सारी मुश्किलात, मेरे साथ जितनी भी मुश्किलात है, वो सब तुम्हारी उस मनहूस अना की वजह से है। मेरी बात सुनो, मैं जिससे मोहब्बत करता था, जो मेरे बच्चे की देखभाल करती थी, अलीना के ऊपर तरस खाती थी, वो तो अब यहाँ है ही नहीं। ये जो मेरे सामने मॉडल की एक बिगड़ी हुई शक्ल मौजूद है ना, आज जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो सिर्फ उसकी अना की वजह से। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगी नूर। तुम बहुत पछताओगे अली, तुमने आज मेरी बात नहीं सुनी, मुझ पर यकीन नहीं किया। तुम बहुत पछताओगे मुझसे जो कुछ भी आज तुमने कहा, बहुत पछताओगे तुम अली, बहुत।
ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।